करना है, केवल कोई स्वाध्याय करने से ही मोक्ष मान लेता है। तो ये शास्त्र अनुकूल साधना ये होगी जब हम सभी क्रियाएं विधिवत करेंगे और पूर्ण संत से लेकर आजीवन मर्यादा में रहेंगे, तब हम उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। गायत्री मंत्र के जाप से भी कोई लाभ नहीं, कोई मीन मोक्ष लाभ नहीं। अब ये भूर भव स्व तत्स्वितुर ये मंत्र जो है, इससे परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है। कोई भी आप किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करते हो, यदि आपका कुछ दिमाग काम करता है और उसके अर्थों को थोड़ा बहुत समझ भी लेते हो, तो वो तो वैसे तो ठीक है, जैसा आप साधना पढ़ रहे हो उसको उससे ज्ञान हो जाएगा, लेकिन इन सदग्रंथों का ज्ञान भी गुरु जी से ही होता है। इन वेदों को पढ़ते हजारों वर्ष बीत गए, इन वेदों को ये समझ नहीं सके वेदों के पढ़ने वाले, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना जो थोथा वो छड़े किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो इन सदग्रंथों के केवल स्वाध्याय करने मात्र से भी आपको कंप्लीट लाभ नहीं, कोई पूर्ण नॉलेज नहीं होगा, पूर्ण लाभ नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो संत से ही, सतगुरु से ही वो ज्ञान यज्ञ का भी अनुष्ठान सतगुरु से करवाओ। जैसे भी ये ज्ञान यज्ञ आपके सामने चल रहा है, और ये ज्ञान यज्ञ आप यानी सत्संग कहो चाहे ज्ञान यज्ञ कहो, आपने बहुत और भी सुने हैं, उनके पास वो यथार्थ ज्ञान ना होने से, सत्संग ना होने से वो ज्ञान यज्ञ सफल नहीं हुआ, विफल रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र अनुकूल साधना फिर कौन सी है? ये तो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं जो आप जी को वर्णित की। कोई मेडिटेशन लगाता है, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना है। हठ योग नहीं करना, ये भी शास्त्र विधि रहित साधनाएं हैं। तो कौन सी साधना है जो शास्त्र अनुकूल है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। पुण्यात्मा स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये ब्रह्म, और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। इसको छोड़कर यदि कोई अन्य मंत्र जाप करता है और ब्रह्म का साधक कहलाता है, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है। और जिसके विषय में अब श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक ओम नाम है ब्रह्म साधना का, इसके अतिरिक्त हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो व्यर्थ है वो। और हम गीता पढ़ा करते नाम जपते हरे राम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम, ये कोई मंत्र है? ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं इनका कि ये जाप करने चाहिए। तो ये इस प्रकार हमारा मानुष जीवन व्यर्थ हो रहा था। यदि विष्णु जी का कोई पुजारी है और ओम नमो भागवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप करता है, व्यर्थ है। विष्णु जी का यथार्थ मंत्र है, वो ये दास आपको देता है उससे लाभ होगा। इसको छोड़कर कोई और मंत्र जाप करता वो शास्त्र विरुद्ध है। ब्रह्मा जी का भी मंत्र है। अब ये मंत्र जो हैं ये इनकी पूजा के नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश दुर्गा जी के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये पूजा के नहीं हैं। पूजा का अर्थ और होता है। पूजा तो हम केवल अपने कबीर परमेश्वर ही की करेंगे, और बाकी ये आदरणीय देव हैं। जैसे एक पति भर्ता पत्नी अपने परिवार में रहती है और वो सबका आदर करती है, देवर का, जेठ का, देवरानी और जेठानी का, सास और ससुर का,
आने वाले आगंतुक का, अतिथि का, रिश्तेदारों का, सबका सत्कार करती है और बहुत ही प्यार से बोलती है। वो तो है सत्कार, एक शिष्टाचार, और पूजा वो केवल अपने पति की ही करती है। तो जब वो अपने परिवार से जब अलग होते हैं तो अपने पति के साथ चुपचाप चली जाती है, पीछे झांक कर भी नहीं देखती, और सब सामान जो हिस्से में आता सबको उठाकर और सीने के लगाकर अपने पति के पास पहुंच जाती है। और भले ही वो, क्योंकि एक अच्छे माहौल बनाने के लिए अपने परिवार में रहने वाला बच्चा, जो पतिव्रता लड़की होती है, वो सबसे प्यार से रहती है, झगड़ा करती है, कोई और दूसरे प्रकार की क्रियाएं करती है, तो पतिव्रता होते हुए भी वह पतिव्रता नहीं होती। तो इस प्रकार हम यहाँ हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश आदि जो हैं, ये हमारा एक परिवार है, लेकिन हम इनकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पति परमेश्वर कबीर देव है, वो हमारा स्वामी है, और हम इस परिवार में रहना है, इनसे ऐसे हमें सत्कार से रहना है, इनका आदर से नाम लेना है, जपना है, कहना है, बोलना है, इनसे जो लाभ हमने लेना है वो अलग वस्तु है। लेकिन जब हम यहाँ से चलेंगे अपने लोक में, हमारा इनसे कोई लिंक नहीं रहेगा, हम अपने मालिक के साथ चले जाएंगे। तो ये जो जाप हैं इनके, ये वो मंत्र हैं जो इन, ये हमें लाभ तुरंत देंगे इसका, इनके विष की बात नहीं। अब जैसे एक उदाहरण होता है, कुत्ता है, उसको हम कुत्ता कुत्ता करते रहे कभी नहीं देखता, और उसका एक कोड वर्ड होता है हमारे यहाँ हरियाणा में, उसको बोलते हैं तो न्यों करते ही न्यों देखेगा एकदम, और भाग्या होगा, चाहे कुछ भी ना हो उसको, कुछ ना मिले तो वो अट्रैक्ट होता है, वो उस भाषा को, उसके बस की बात नहीं, वो एकदम प्रभावित होता है। तो ऐसे ये मंत्र हैं इन देवताओं के, जिनसे हमने लाभ लेना है, इस मंत्र के जाप करते ही अपने आप सतर्क होते हैं, और ये आपको इस मजदूरी का तुरंत लाभ देते हैं, ये मजदूरी है इनकी, और इससे ही ये प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त आप इनकी कितनी स्तुति कर लो और ये मंत्र जाप ना करो, ये कुछ नहीं दे पाओगे, ये आपकी मजदूरी बनती है, इसकी कीमत है। और अन्य जो स्तुति है वो तो हमारा शिष्टाचार है, सबका, सबको प्यार से बोलना, श्रद्धा से उनका सत्कार करना, वो अलग चीज़ है। आप गणेश जी की जो साधना करते हैं वो मंत्र ये दास आपको देता है। तो कुछ संत देखे अब नकल सी कर रहे हैं, कोई एक नाम देता है कृष्ण कलम कृष्ण खिचड़ी ज्ञान बना रहे खेन ने, कृष्ण किलम कृष्ण, ये किलियम को किलम बोलते हैं किलम, और कोई जैसे आप जी को दिए जाते हैं इन मंत्रों में से कोई एक ही मंत्र करता है शरम शरम शरम, और कोई हरम हरम हरम। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक जड़ी बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है, जिसमें 6-7 आइटम डाल दिए जाते हैं तो वो उस रोग नाशक बन जाती है, और उनमें से केवल एक जड़ी को खावे, कोई जो है सूंठ होती है उस, वो मिला रखी है 7 आइटम है, और उनमें से कई एक आइटम को खावेगा तो उसका मोक्ष रोग नाश नहीं होगा, उसी सत्र का लाभ होगा। जैसे कोई सौंफ खाता है और वो सौंफ फिर उन 7 आइटमों में से एक है, उनमें से एक को वो खा रहा है तो उस सत्र का ही लाभ होगा, वो वास्तविक लाभ नहीं होगा। तो ये जो मंत्र आपको दिए हैं, प्रथम जो नाम हम फर्स्ट टाइम देते हैं उसको प्रथम मंत्र बोलते हैं, तो उसमें 7 मंत्रों का योग है, ये समझ लो कि 7 जड़ी मिला रखी हैं, और यो एक रोग, एक बहुत अच्छा जो है वो बन गया हमारा, औषधि बन गई, ये नुस्खा बन गया, नुस्खा है ये। तो इसमें से कोई एक जाप करता है, यानी एक औषधि खाता है, एक जड़ी खाता है, तो उतना ही लाभ होगा, वो व्यर्थ होगा। ये दास एक बार नजफगढ़ सत्संग कर रहा था, और वहाँ एक पंडित जी आ गया, मतलब वो क्रियाक्रम वाला पंडित जी नहीं, वैसे जैसे परंपरागत कह दे ब्राह्मण है, पंडितों का लड़का है,
पंडिताई नहीं करता था, कोई नौकरी करता था, सत्संग सुनने आ गया, सारा सत्संग सुना और मेरे पास आकर कहने लगा महाराज जी मन ने तो वो माया माया वाला दे दो मंत्र, जिस तक धन गणा होता हो वो दुर्गा का दे दो एक मंत्र, माया गणी चाहिए मुझे, टोटा आ रहा है। अब उन्हें कौन समझावे, अब इन उस अगर माया तो रावण के पास बहुत थी, वो क्या काम आई, व्यर्थ रही। तो ऐसे हमने इस व्यस को नहीं खाना, और जब व्यस अन्य जड़ियों में मिल जाता है तो अमृत भी बन जाता है। तो ऐसे इस परमात्मा कबीर देव जी ने ये मंत्र अपनी तरफ से बनाकर अपने सदग्रंथ में समावेश कर रखा है। तो हमने जो मालिक का आदेश है वही पालन करना, उसके विपरीत कुछ भी साधना नहीं करनी, और करेंगे तो यूजलेस होगी। अब पूरी गीता जी में ओम मंत्र के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है जाप करने का। फिर पूर्ण परमात्मा के लिए संकेत छोड़ दिया कि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए और सनातन परम धाम में जाना चाहता है और परम शांति चाहता है, यानी पूर्ण सुख चाहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, कोई और है, और परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो मंत्र ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में है। ओम तो ये ब्रह्म का है और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बोले हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा है वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा, वो कौन है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि किम तत् ब्रह्म, श्री कृष्ण ने गीता ज्ञानदाता से पूछा हे प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है, वर्णन किया है, और यह भी कहा कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, पूरे दात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, फिर वो जरा और मरण से छुटकारे का ही प्रयत्न किया करते हैं, जरा मरण, फिर वो कुछ नहीं मांगते संसार की, किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं करते, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये तीन प्रभु हैं, एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भी प्रभु होता है और पुरुष माने भी परमात्मा होता है, प्रभु होता है। तो ये तीन मंत्र हैं और इस तीनों ही भगवानों के अलग अलग मंत्र हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल अपना ही मंत्र सार्वजनिक किया है और अन्य दो मंत्र उसने गुप्त छोड़ दिए हैं, और उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं बता सकता, मुझे मालूम नहीं। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा जड़ कौन परमात्मा है। तो उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ तो है परम अक्षर ब्रह्म और तना है ये अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म, और उसमें से एक मोटी डार निकली है वो है सर्व ब्रह्म। सर्व पुरुष कहो चाहे सर्व ब्रह्म कहो, और तीनों देवा शाखा हैं,
रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है और पात्र रूप संसार। ये परमेश्वर ने